हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये नोमेनक्लेचर टॉपिक चल रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर में ये आपके एल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर, मतलब जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल का जो नामकरण है वो हमें IUPAC सिस्टम के थ्रू करना है। तो एल्कोहल का नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो फंक्शनल ग्रुप एक वीडियो में मैंने आपको सारे जितने भी हैं वो बताए थे। तो जो एल्कोहल होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह जो है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से, मतलब जब बॉन्ड के साथ में OH लगा होता है तो वो हम समझ जाते हैं कि ये एल्कोहल फैमिली का है, हाइड्रोकार्बन है। तो एल्कोहल के लिए इसको आपको याद रखना है कि OH लगाते हैं। यहाँ पे एल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज़ किया जाता है, सफिक्स मतलब अनुलग्न, वो ऑल यूज़ किया जाता है। मतलब नाम के एंड में जो एल्केन होते हैं, एल्केन के नाम के एंड में ऑल लग जाता है। तो जब IUPAC नाम लिखते हैं इनका, तो एल्कोहल का, तो IUPAC नेम जो इनका IUPAC नेम है वो हो जाता है एल्केनॉल। और एल्केन की स्पेलिंग आपको पता होगी कि एल्केन की स्पेलिंग ALKANE होती है, तो लास्ट का ई रिप्लेस करके यहाँ पे ऑल लग जाता है। तो एल्केन की जगह इनका नाम जो है वो एल्केनॉल बन जाता है। तो ये इनका IUPAC नेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है, यानी कि जब हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है, कार्बन की चेन होती है, अगर उसमें OH लगा हुआ है यानी कि वो एल्कोहल का है, और इसका जो सफिक्स यानी कि अनुलग्न जो कि लास्ट में नाम के जोड़ा जाता है वो ऑल होता है। तो इस हिसाब से इसका नाम जो IUPAC नाम है वो एल्केनॉल हो जाता है। और इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला वो CnH2n+1OH होता है। तो एल्कोहल का नामकरण हम किस तरीके से करते हैं वो हम आपको बताते हैं, कोई एग्जांपल बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले छोटा एग्जांपल ही ले लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है CH2OH। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एल्कोहल लगा हुआ है, यानी कि ये तो समझ में आ गया है कि ये एल्कोहल का है, और दो कार्बन एटम है। दो कार्बन एटम का मतलब कि ये एथेन है, ठीक है। तो एथेन के साथ में ऑल लगा हुआ है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो इसका नाम जो है इथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम के साथ में एल्कोहल लगा हुआ है। तो अगर एल्कोहल नहीं लगा होता तो सिंपली इसका नाम इथेन होता, लेकिन यहाँ पे एल्कोहल लगा हुआ है तो इसलिए इसका नाम जो है, नाम के एंड में इथेन के साथ में ऑल लग गया हुआ है, तो इथेनॉल हो जाएगा। नंबरिंग का रूल वही रहेगा कि जिधर से OH ग्रुप है उधर से ही लगे, क्योंकि ये सिंपल है तो इसमें नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी लिख देते हैं कि 1, 2। तो हम इसको इथेनॉल भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इथेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं, इथेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से मान लिया एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CH OH CH2 CH3, ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल्कोहल ग्रुप जो है वो एक साइड चेन की तरह दिया हुआ है। तो साइड चेन वाला आपको रूल मैंने पिछले वीडियो में ही सभी बता दिए हैं। तो यहाँ पे एल्कोहल साइड चेन की तरह है, और कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो सीधी चेन दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम इधर साइड से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर पे एल्कोहल आएगा, लेकिन अगर हम इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे आएगा। तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से एल्कोहल पास में पड़ रहा है, तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे है एल्कोहल, और यहाँ पे पेरेंट एल्केन क्या है, 4 कार्बन एटम का, यानी कि ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट की ई नहीं लिखनी है। दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है एल्कोहल, ब्यूटेन 2 ऑल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर हम सिंपली ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये था। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक पोजीशन पे दिया है, अब मान लिया
डिफरेंट पोजीशन पे दिया हुआ है अल्कोहल ग्रुप, CH3, CH OH, CH OH, CH3, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नंबरिंग करने का रूल जो है दोनों तरफ से ही सेम ही रहेगा, इधर से करें या उधर से बात एक ही है। तो 1, 2, 3, 4, 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप दो पोजीशन पे अल्कोहल लगे हुए हैं, और जो पेरेंट एल्केन है वो है ब्यूटेन, यानी कि चार कार्बन एटम की चेन है, तो इसलिए इसका नाम जो है ब्यूटेन। और जिस जिस पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो 2 में लगा हुआ है और 3 में लगा हुआ है, 2, 3, 2 लगे हुए हैं, इसलिए डाई ऑल। 3 जगह लगा होता ट्राई ऑल, 4 जगह लगा हुआ था टेट्रा ऑल, 5 जगह लगा होता पेंटाऑल। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और मैं थोड़ा सा बड़ा सा बता देती हूँ आपको। CH OH CH OH CH OH, CH2 OH। ये एग्जाम्पल जो है पेपर में भी एक बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कार्बन चेन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की चेन है और सब में ही अल्कोहल लगे हुए हैं, तो नंबरिंग का भी रूल सेम रहेगा कि इधर से करें या इधर से करें, बात एक ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए। तो 6 का मतलब जो पेरेंट एल्केन है वो क्या हो जाएंगे, हेक्सेन। ठीक है, अब जिस पोजीशन पे लगे हुए अल्कोहल उन सारी पोजीशन को लिखेंगे, तो 1 से लेके 6 तक सारी पोजीशन लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 जगह लगे हुए हैं, तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा, तो हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा ऑल लिख देंगे, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से मान लिया सिर्फ एक एग्जांपल और बता देती हूँ, ये एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो ये दूर पड़ेगा, मतलब दोनों का सम जो है वो ज़्यादा आएगा, और अगर इधर से करेंगे तो दोनों का सम उसके कंपेयर में कम आएगा। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले क्या, पेरेंट एल्केन का नाम लिखना है ब्यूटेन, 1 पोजीशन पर लगा हुआ है अल्कोहल, 1, 3, डाई ऑल। तो जितनी भी पोजीशन पे लगे हुए हैं अल्कोहल उतने अल्कोहल को काउंट करके ऑल लगाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि जो अल्कोहल है उनको हम सफिक्स की तरह यानी कि नाम के एंड में लगाते हैं, क्योंकि ये जो अल्कोहल हैं, एल्डिहाइड हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, कीटोन ग्रुप हैं, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जो सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम प्रीफिक्स की तरह लगाते हैं, जैसे मिथाइल हो गए या फिर हेलोजन हो गए या एमिनो हो गए, उनको हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम सफिक्स की तरह यानी कि नाम के एंड में जोड़ के लगाते हैं। तो आपको जो मेन पॉइंट है वो याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और जो इसमें अल्कोहल में या एल्डिहाइड में किस में कौन सा सफिक्स लगाया जा रहा है नाम के एंड में, वो याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, तो और भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये अल्कोहल का नामकरण था, इसके बाद एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। तो एल्डिहाइड के लिए भी आपको ध्यान होगा फंक्शनल ग्रुप जो है इनका, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। तो आपको जो है सबके फंक्शनल ग्रुप जरूर याद रखने हैं, तो बॉन्ड लगा के CHO इस तरीके से भी लगा हो सकता है, या फिर C डबल बॉन्ड O एंड H।
तो ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जितने भी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें भी कार्बन एटम आता है, तो जब हम चेन को काउंट करते हैं तो हम इस कार्बन एटम के को भी काउंट करते हैं। मतलब जिन भी फंक्शनल ग्रुप में, क्रियात्मक समूहों में कार्बन एटम आ रहा है, तो उस कार्बन एटम को भी हम चेन के साथ में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CHO, और इनका जो सफिक्स है वो अल होता है। अल यानी कि इनका नाम जो है इथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, इस तरीके से इनका नाम हो जाता है। यानी कि IUPAC नाम जो है इनका, IUPAC नेम जो है वो एल के नल हो जाता है। जैसे एल्कोहल में एल के नॉल हो जाता है, तो इनका यहाँ पे नाम जो है एल के नल हो जाता है। और इनका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला वो CnH2n+1CHO होता है। तो इसमें भी आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल दिया हुआ है CH3CH2CHO। तो यहाँ पे आपने देखा कि CHO लगा हुआ है, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बन चेन हमेशा जो है वो जो एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, इनमें सब में ही कार्बन एटम जिस भी ग्रुप में आते हैं उस कार्बन को भी हम चेन के साथ में काउंट करते हैं। तो यानी कि ये 1, 2, 3 कार्बन एटम की चेन हो गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपे नल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। या फिर हम इसको 1 प्रोपे नल भी बोल सकते हैं, या फिर हम प्रोपेन 1 अल भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से मान लिया एग्जांपल दिया हुआ है CHO, CH2, CH2, CHO। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 कार्बन एटम की चेन हो गई, 1, 2, 3, 4। तो किधर से भी काउंट करें बात एक ही है, 1, 2, 3, 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4-डाई-अल, ब्यूटेन 1,4-डाई-अल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये यहाँ पे दिए हुए हैं CHO ग्रुप, इन ग्रुप को हम अगर ओपन करके भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ओपन करके भी लिख के आ सकता है स्ट्रक्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन यहाँ पे देख रहे हैं कि CHO ही लिखा हुआ है, CHO, तो ये एल्डिहाइड का है। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह OH लिखा होता तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कार्बोक्सिलिक में और एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो CHO होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है। तो यहाँ पे भी आप काउंटिंग इधर से करें या इधर से करें, बातें की है 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की चेन हो गई, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 1,5-डाई-अल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थे, एक तो एग्जाम्पल और भी बता देती हूँ मैं आपको। CH2, CH2, CH3। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है इधर से लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, जिधर से एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, मतलब अगर अकेला एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो जिधर भी लगा होगा तो हम उधर से ही काउंटिंग करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 कार्बन चेन वाला ये हाइड्रोकार्बन है। तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले इनके पेरेंट का नाम लिखेंगे पेंटेन, लास्ट की ई नहीं लिखेंगे, पेंटेन, पेंटेन नल भी लिख सकते हैं इसको, या फिर हम पेंटेन 1 अल भी लिख सकते हैं। तो आपको पोजीशन देख के वहीं पे ग्रुप लगा के बताना होगा।
तो आई होप आपको ये एल्डिहाइड और एल्कोहल, अभी तो ये सिंपल सिंपल सिर्फ एक ही एक ग्रुप वाले अभी आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जब मिक्सिंग वाले ग्रुप आएंगे तो आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अभी तो एक एक ग्रुप के नोमेनक्लेचर में बता रही हूँ। तो क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।